गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। तो आज हो चुका है, अभी देखिए सुबह कितना अमेजिंग मौसम है और यहाँ मैं पी रहा हूँ चाय। मुझे ब्रेकफास्ट करने का आज मूड नहीं था तो सिर्फ चाय ही पी रहा था। आज ना हमारे घर पे गेस्ट आने वाले थे और मुझे लंच के लिए भी कुछ सब्जियाँ लेनी थी, तो मैं मार्केट आ गया। यहाँ से मैं सब्जियाँ लूँगा और कुछ मीठा बनाने के लिए मैं गाजर भी लेने का सोच रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने ले लिया है मटर, बाकी सब कुछ मैंने ले लिया था पहले ही। और ये रहा गाजर, तो चलिए चलते हैं घर। और हमारे घर में बन रहा था गेस्ट के लिए गाजर का हलवा, तो मैंने सोचा इसका व्लॉग बना लूं और आप सबके साथ शेयर करूं। पहले तो मैंने यहाँ पे देखिए ऐसे हमें ग्रेट कर लेना है, सारे गाजरों को ऐसे ही हम ग्रेट कर लेंगे। ऐसे ही हमें सारे गाजरों को ग्रेट कर लेना है ताकि ये इवनली कुक्ड हो सके। ये देखिए ऐसे ही कुक करना है। और गाइस आप ये भी बताइएगा कि आपको गाजर का हलवा कैसा लगता है, या फिर आपको कौन सा डिज़र्ट में हलवा खाने में सबसे अच्छा लगता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और उसके बाद हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हम ऐसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ हमने लिया था ड्राई फ्रूट्स में कैशियो, आलमंड्स, किशमिश, ड्राइड कोकोनट, और आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स कुछ भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। जितने आपके मनपसंद हैं सारे ऐड कर दीजिए। तो गाइस ऐसे ही सारे ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ऐड कर देंगे घी। आप टोटल घी से बना सकते हैं, हमने यहाँ पे थोड़ा सा घी लिया था और साथ में हमने रिफाइंड ऑयल भी ऐड किया था। और उसमें हम डाल देंगे जितने भी हमने गाजर ग्रेट किए थे वो सारे हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ऐसे ही हम उसके बाद सारे ग्रेट किए हुए गाजरों को ऐसे ही चलाते रहेंगे और अच्छे से कुक होने देंगे। उसके बाद हम ऐड कर देंगे शुगर, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड करें और उसे अच्छे से मिक्स कर लें और ऐसे ही चलाते रहें। और उसके बाद हम सारे रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ ऐड कर देंगे हम तेज पत्ता और उसे भी मिक्स कर लेंगे। और साथ में ऐड कर देंगे हम इलायची, इससे फ्लेवर इन्हांस हो जाएगा, और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अच्छे से कुक होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मिल्क और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुक होने देंगे। तो फ्रेंड्स ये टोटली ऑप्शनल है, हम यहाँ फूड कलर ऐड करने वाले हैं हलवे में। हमने यहाँ थोड़ा सा मिल्क ले लिया है और उसमें हमने फूड कलर ऐड कर दिया है, ऑरेंज रेड कलर। और ये देखिए हम ऐसे मिक्स कर लेंगे और उसे अच्छे से गाजर के हलवे में हम ऐड कर देंगे। ये देखिए ऐसे ऐड कर देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है और आप टेस्ट कर लीजिए। आपके अगर टेस्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ ठीक है तो ये रहा हमारा गाजर का हलवा तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं कर रहा हूँ अपने प्रीवियस व्लॉग की एडिटिंग। अब तक आप सबने देख चुका होगा, यानी मैं पिज़्ज़ा वाले व्लॉग की बात कर रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर ज़रूर देखिए। और फ्रेंड्स जेन्युइनली आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लविंग माय वीडियोस, फॉर सपोर्टिंग माय चैनल। इतना लव और सपोर्ट आप दे रहे हैं, इट्स ओवरवेलमिंग गाइस। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, मेरे सारे वीडियोस को देखिए मेरे चैनल पे जाके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।